हेलो, इस पार्ट में हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, लेकिन एज अ सब्ट्रैक्शन ना सीखे, एज अ एडिशन सीखेंगे। एग्जांपल, मान लीजिए आपको 22 माइनस 8 करना है। इसका मतलब आप 22 पे हैं और उसमें से पहले 8 आपको माइनस करना है, तो इसका मतलब इसके बीच में कितना रह गया वो ये आंसर होगा। या आप ऐसा कहो, 8 से कितना आगे जंप किया जाए कि आपका 22 आंसर आ जाए। इसके लिए आपको 2 यहां पे जंप करना पड़ेगा, 10 यहां पे जंप करना पड़ेगा और 2 यहां पे फिर से जंप करना पड़ेगा। इस तरह आंसर आपका 14 आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको 35 में से 12 माइनस करना है। इसका मतलब आप 35 पे हैं और इसमें से 12 माइनस करना है, तो आप ये देख लीजिए कि 12 से कितना आगे जंप करना पड़े कि 35 पे आया। उसके लिए 8 आपको यहां तक जाना पड़ेगा, 5 यहां पर है और बीच में एक 10 से, तब आप 12 और 35 तक पहुंचेंगे। 12 से लेकर 20 तक 8, ऐसे अगर देखा जाए कि 12 से 20 तक ये 8 जंप करना पड़ेगा, 20 से 30 तक 10 जंप करना पड़ेगा और 30 से 35 तक 5 जंप करना पड़ेगा। इस तरह आपको 10, 8 और 5 जंप करना पड़ेगा। इस तरह आपको ये 10, 18 और 5, 23 आंसर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको 43 में से 19 माइनस करना है। इसका मतलब अगर एक और लाइन देखी जाए, यहां पे अगर 43 है और यहां पे कहीं 19 है, इसका मतलब यहां पे 20 होगा और यहां पे 40 होगा। आपको यहां से यहां जंप लगाने के लिए पहले एक यहां की जंप लगानी पड़ेगी, 20 से लेके 40 तक एक 2 10s की जंप लगानी पड़ेगी और एक 3 की जंप लगानी पड़ेगी। इस तरह इसका रिजल्ट 24 आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।